अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे काबली मटन। काबली मटन के लिए चाहिए होगा 1 किलो हमने मटन लिया है और उसके पीसेस कर लिए हैं हमने, बोनलेस है। 2 टेबलस्पून भर के हमने कच्चा पपीता लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है। कड़ी पत्ता 1 टेबलस्पून भर के सफेद जीरा, 4 टमाटो का हमने दरदरा सा काट लिया है, 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, नमक, 1 मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट ली है। काबली मटन बनाने की तैयारी शुरू करें। हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें इन सारे मसालों को डाल देंगे। टमाटो गया, लाल मिर्च, काली मिर्च, सफेद जीरा, धनिया पाउडर और कच्चा वाला पपीता, इन सब को हम मिक्सी में बारीक ग्राइंड करेंगे, इसका मसाला बना लेंगे। इन सब मसालों को हमने ग्राइंड में बारीक पीस लिया है। कुकर में हमने खाने का चम्मच तेल ले लिया है, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कढ़ाई पत्ता, इसके साथ ही जाएंगे प्याज। बस इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ा हल्का सा भूनेंगे। लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, अब हम जो ग्राइंड किए हुए मसाले हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। ये गरम मसाला, मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, सेड़ों से तेल छूटने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे वो मटन जो हमने साफ करके रखा था, इसके साथ ही डाल देंगे हम नमक। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक मिर्ची कम ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हो। गोश्त अच्छी तरह से मसाले में भून चुका है, अब हम डालेंगे 1 कप पानी। इसको 4 विजिल तक हम इसको लगा देंगे गोश्त गलने तक। काबली मटन को 4 सीटी के बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप तवा नान के साथ खा सकते हो, बटर के साथ खा सकते हो, ब्रेड के साथ खा सकते हो। बहुत मजेदार रेसिपी है, आप ट्राई जरूर करें। अगली रेसिपी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।